नमस्कार। ज्योतिष या फिर धर्म के नाम पर फैल रही गलत अवधारणाओं को लेकर के इन दिनों मैं वीडियोस बना रहा हूं। कौन सा विचार ज्योतिष या धर्म को लेकर के सही है ये आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं और इसी माध्यम से मैं बढ़ते आ रहा हूं। वैसे तो जब से मैंने इस चैनल की शुरुआत की है, इस पेज की शुरुआत की है, जब से मैं आपके सामने वीडियोज लेकर के आता हूँ, लेख लेकर के आता हूँ, तब से मैं अंधविश्वास या फिर लूटपाट या फिर सही नॉलेज किस तरह से आपको नॉलेज दिया जाए, अंधविश्वास लूटपाट को किस तरह से दबाया जाए या फिर इसको फैलने से किस तरह से रोका जाए, इसका मैं प्रयासरत हमेशा से रहा हूँ। उसी प्रकार आज भी मैं एक वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूँ और आज का ये वीडियो कुछ इस प्रकार है कि कई सारे भाई बहन मुझसे ये कहते हैं कि सर, जब जब हम पूजा पाठ करते हैं, जब जब हम मंत्र विधि करते हैं, तब तब हमें गलत परिणाम, खराब परिणाम मिलते हैं और इवन जब हम ये करना छोड़ देते हैं तब हमें वो खराब फल, खराब परिणाम मिलना भी कम हो जाते हैं। इवन हमें कई सारे ऐसे ज्योतिषियों, एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा कह दिया गया है कि भाई आपके लिए पूजा पाठ नहीं बनी, आपके लिए मंत्र विधि नहीं बने हुए हैं और आपको नहीं करना चाहिए, और सचमुच में हमें ऐसा फील भी होता है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे मुझसे ये फिर पूछते हैं। यहां पर मेरी यदि आप राय जाने तो मैं कहूंगा ये एक अवधारणा है कि पूजा पाठ या मंत्र विधि करने से आपको परेशानी होती है। अब आप में से कई सारे दर्शक ऐसे होंगे जिन्हें इस बात का अनुभव हुआ होगा कि जो लोग पूजा पाठ मंत्र विधि कुछ करते हैं तो उन्हें परेशानी होती है और जब जब वो छोड़ देते हैं तब तब उनकी परेशानियां खत्म हो जाती है। मैं इस बात को मानता हूं, आप में से कई सारे ऐसे दर्शकों का अनुभव हुआ होगा, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि भाई ये अवधारणा है तो आप कहेंगे नहीं, हमें तो अनुभव हुआ है। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरी बात को आप समझिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि पूजा पाठ मंत्र विधि करने से प्रॉब्लम नहीं होती, गलत तरह से पूजा पाठ मंत्र विधि करने से प्रॉब्लम होती है। आप बात समझिए, देखिए आपके लिए क्या मंत्र बना हुआ है, क्या पूजा पाठ बनी हुई है, क्या आपको करना चाहिए और उसको करने का क्या सही तरीका है, ये आपको जानना बेहद जरूरी है। चाहे वो द्रव्य पूजा करते हैं, चाहे वो मानसिक पूजा करते हैं, चाहे वो जप पूजा करते हैं। द्रव्य पूजा मतलब जैसे हम कुछ भी वस्तु लेकर के चढ़ाते ना, जैसे शिव शंकर भगवान पर दूध चढ़ा दिया गया, हाँ धतूरा चढ़ा दिया गया शिव शंकर भगवान पर, या पुष्प चढ़ा दिया गया, या नहला रहे हैं दूध दही शहद से, यह होता है द्रव्य, किसी वस्तु के साथ पूजा करना द्रव्य पूजा। जप पूजा मतलब कोई मंत्र कर रहे हैं, उच्चारण करके कुछ बोल रहे हैं, ओम नमः शिवाय, हाँ ओम शं शनेश्वराय नमः, उच्चारण करके, प्रोनाउंसिएशन करके, या कोई स्तुति करके, कोई आरती करके पूजा कर रहे हैं। जप पूजा की बात मैं कर रहा हूं, उच्चारण वाली पूजा की बात मैं कर रहा हूं। तो ये जो आप करते हैं इसको करने का सही तरीका, पहली बात। दूसरी बात, आप उसको आपको करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी की कुंडली में शनि देवता की स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अभी वो जो है शनि देवता को शांत करने के लिए मंत्र किए जा रहे हैं, हाँ ओम शं शनेश्वराय नमः, हे शनिदेव शांत हो जाओ, या फिर शांति की पूजा पाठ करवाए जा रहे हैं। जो आपकी कुंडली में बहुत अच्छे हैं उन्हें आप शांत करवाए जा रहे हैं, वो शांत हो जाएंगे अपने। शांत का मतलब क्या होता है, शांत का मतलब होता है आप शांत हो जाओ, जैसा भी आप फल दे रहे हो ना वैसे मत दो, मतलब वो अच्छे फल दे रहे हैं उन्हें हम कह रहे हैं मत दो। अभी आपने उन्हें शांत कर दिया, अब आपको अच्छे फल मिल नहीं रहे, अच्छे फल नहीं मिल रहे, हो सकता है खराब फल मिलने लग जाए। अब खराब फल मिलने लग जाए तो आप कहेंगे अरे हमारे लिए तो पूजा पाठ बनी हुई नहीं है। हाँ तो पहली बात तो आप ये जानिए कि आपके लिए कौन से पूजा पाठ, कौन सा मंत्र विधि बना है, कौन सा नहीं बना है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरे नंबर पर जो बना हुआ है उससे करने का तरीका क्या है ये जानना भी जरूरी है। मान लीजिए आप कह रहे हैं ओम शं शनेश्वराय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर रहे हैं लेकिन इसको बोलने का तरीका ही कुछ और है। ओम शं शनेश्वराय, कई लोग शनेश्वराय कहते हैं, ओम शं शनेश्वराय नमः, और इसी से रोज पूजा पाठ किए जा रहे हैं तो आपका उच्चारण ही गलत हो गया। ठीक है, आपको करना था शनिदेव का मंत्र, आपके लिए बना हुआ था, लेकिन आप उच्चारण ही गलत कर रहे हैं तो कहां से आपको अच्छे फल मिलेंगे। मैं हमेशा उच्चारण की जब बात आती तो मैं एक उदाहरण देता हूं। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ये तीन भाई थे, तीनों ने कठिन तपस्या की, तीनों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, तीनों ने अपने अपने वर मांगे, वरदान मांगे। रावण ने अपना वर मांगा, विभीषण ने अपना वर मांगा। जब बारी आई कुंभकर्ण की और उन्हें चाहिए था, जब उनके मन में ये बात थी कि मुझे चाहिए इंद्रासन, लेकिन उनके मुंह से निकल गया निंद्रासन और उन्हें निंद्रासन मिल गया।
कोई निंद्रासन के लिए इतनी कठिन तपस्या करता है क्या, लेकिन उनके मुंह से निकल गया। तो आपके मुंह से क्या निकल रहा है, आप उच्चारण क्या कर रहे हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। जो भी आप स्तुति करते हैं किसी भी ग्रह की, किसी भी देवी देवता की, किसी भी भगवान की, आप कहते क्या है, बोलते क्या है, उसे तो पहले समझिए। कई बार मैंने ये देखा है कि उच्चारण ही गलत होता है, बोलना ही गलत होता है। जब उच्चारण ही गलत हो रहा है तो वो काम तो गलत होगा ना, एक बात। अगली बात, द्रव्य पूजा। अब मान लीजिए शिवशंकर भगवान पर तुलसी नहीं चढ़ती है, अब तुलसी ही तुलसी से अभिषेक किए जा रहे हैं शिवशंकर भगवान का, तो जब जब काम ही गलत कर रहे हैं तो सही फल कैसे मिलेगा। एक मैं उदाहरण देकर के आपको समझा रहा हूं, और भी बहुत सारी चीजें आप अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। चलते फिरते मंत्र कर रहे हैं, मैंने कई बार ये सुना है कि लोग जो बीज मंत्र होते हैं उनको या तो कानों में लगा लेते हैं जूता चप्पल, या ट्रैवलिंग जूता चप्पल पहन करके ट्रैवलिंग करते करते मंत्र को करते हैं, या फिर कहीं पर भी बैठे हुए हैं, सोफा पर बैठे हुए हैं, जूता चप्पल पहने हुए ऑफिस में बैठे हुए मंत्र कर रहे हैं, गलत फल तो मिलेंगे ना। तो आपको पहले तो तरीका जानना, पहले तो सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि क्या हमें करना है क्या नहीं करना है। आपके लिए कुछ बना हुआ है कुछ नहीं बना हुआ है, उसके बाद में आपको ये जानना पड़ेगा कि जो हमें करना है उसका सही तरीका क्या है। जब आप सही तरीका, चाहे आप द्रव्य पूजा करें, चाहे आप जप पूजा करें, चाहे आप स्त्रोतों के द्वारा करें, चाहे आप किसी वस्तु के द्वारा करें, आपको तरीका जानना पड़ेगा। जब आप ये बात दोनों बातें जान जाएंगे ना, तब आप ये शिकायत नहीं करेंगे कि हमें हम जब भी पूजा पाठ करते हैं, जब भी मंत्र विधि करते हैं तो हमें परेशानी होती है। तो ये गलत अवधारणा से निकले कि हमारे लिए पूजा पाठ मंत्र विधि नहीं बने हुए हैं, या हम जब जब करते हैं तब तब हमें गलत परिणाम मिलते हैं। आप गलत तरह से करते हैं इसलिए गलत परिणाम मिलते हैं, यदि आपको कहीं मिलते हैं तो ठीक है। तो मैंने यहां पर एक बात समझाने का प्रयास किया, ये इसलिए क्योंकि कई बार ये होता है कि ये अंधविश्वास फिर फंस जाता है दिमाग में कि नहीं बाबा पूजा पाठ मंत्र विधि नहीं करना चाहिए, और फिर आप होते हैं अध्यात्म से दूर। क्योंकि आप कुछ पढ़ेंगे नहीं ना, श्रीमद् भगवद गीता नहीं पढ़ेंगे, रामायण नहीं पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे साहित्य नहीं पढ़ेंगे, धर्म से दूर होंगे। जब आप धर्म से दूर होते हैं तो फिर आपका भविष्य क्या रहेगा, ये लोग तो ठीक है परलोक का क्या हुआ। हाँ, तो बहुत सारी बातों से, बहुत सारी चीज़ों से आप इस अंधविश्वास के चलते वंचित हो सकते हैं। इस वजह से मैंने सोचा आज ये वीडियो आपके सामने बनाया जाए और आपके सामने ये बात रखी जाए। तो कभी भी इस बात को आप मत मानिए कि मैं कुछ करता हूँ या करती हूँ कुछ भी पूजा पाठ मंत्र विधि तो गलत फल मिलते हैं। आप इस बात को समझिए कि हम गलत तरह से करते हैं इसलिए गलत फल मिलते हैं, या गलत पूजा पाठ जो हमारे लिए नहीं बनी वो करते हैं इसलिए हमें गलत फल या गलत परिणाम मिलते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आई होगी और आप इस अंधविश्वास या अवधारणा से निकले होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं, नमस्कार।